हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि मजे में होंगे। आज हम ये सौजू वो बना रहे हैं, इधर होटल बना रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर से ज़रा ये देख रहे थे जो बाढ़ सुरक्षा है उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी जो पब्लिक है उसको बचाना है। तो यहाँ पर जो आबादी वाला क्षेत्र है तो उसके लिए जो है सेफ्टी वॉल बन रही है। नदी के किनारे किनारे पूरे ब्लॉक बन रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए रोड के नदी के किनारे किनारे जो है ब्लॉक भी बन रहे हैं, साथ में दीवारें भी बन रही हैं। वो देखिए ऊपर से ही बिल्कुल, ये देखिए ये है, और ये इधर पे ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं पूरे फर्मे में। तो ये है, और उधर जेसीबी जो है नदी को बिल्कुल ठीक सेंटर में रख रही है। तो 2021 में जो आपदा आई थी तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये चल रहा है गुरु। तो अभी ये है कि काफ़ी चौड़ी जो है दीवार यहाँ पर दी जा रही है, सेफ्टी वॉल जिसे कहते हैं। तो ये है, मशीनें लगी हुई हैं। तो ये नज़ारा है हमारे जो खैरना गर्म पानी का है, क्योंकि नदी तो ऐसा हो गया है कि पहले तो काफ़ी गहरी थी नदी, अब जो है ये क्योंकि काफ़ी पहाड़ टूट करके इसमें आए हुए हैं तो काफ़ी मतलब ऊंची हो गई है अब। तो बस उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो है ये बाढ़ सुरक्षा के लिए ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिससे ऐसा है आबादी वाला क्षेत्र जो है सुरक्षित रह सके। तो ये है, बाकी मौसम का तो मत ही कहिए, पूरा बादल घिरा हुआ है। और ये हमारे ठीक सामने जो है ये ऊपर जो है डोबा गांव है, और इस सामने चुवारी हो गया, और ये शिशु मंदिर हो गया, और उस सामने जो आप देख रहे होंगे रेड कलर की जो छत है वो महादेव का मंदिर है, सोमवारी गुफा। और जो टॉप है वो हमारे गांव का गुलजू का थान है, गुलजू मंदिर। तो ये नज़ारा है हमारे घर गर्म पानी खैरना का। मैंने कहा ये आपके यहाँ पर जो बन रही है क्या पर्सनल है आपका? अच्छा, गवर्नमेंट का ही है ना, मतलब वही मैं भी पूछ रहा था ना। नहीं, ऊपर को जैसे दीवारें बन रही है ना, गवर्नमेंट की है। अच्छा, दीवार के आगे ब्लॉक बन चुके हैं पहले। अच्छा, आगे ब्लॉक बने हैं, वो अंडरग्राउंड है ब्लॉक। अच्छा, वो नदी आने से जो है वो ढके भी कहते हैं, ढक गए हैं, फिर दीवार बन रही है। लेकिन फिर मेरे ख्याल से और ब्लॉक बनेगा उसमें। नहीं, अभी बनी है। अच्छा, इसमें पहले ब्लॉक बन गए हैं, ब्लॉक बन गए हैं, इसमें भी लेबर खड़ी है, ब्लॉक बन गए हैं। अच्छा, पीछे दीवार बन रही है, पहले पीछे फिलिंग होगी दीवार के पीछे। अच्छा, यहाँ पर फिर यही ऐसे ही करके वो जैसे ये है तगार भर दी जाएगी, पूरा जो मसाला जो है उसमें भर दिया जाएगा। तो काफ़ी मजबूत काम हो रहा है ये। तो ये आपका पर्सनल है, ये जो आपने दिया है। हाँ ठीक है, इधर सरकारी चल रहा है। तो इसके बीच में भी ये फीलिंग आएगी, फीलिंग आएगी। बस 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 बस, फिर तो मजबूत हो जाता है। और उसके बाद यहाँ भरान कराएंगे आप? तो अभी आपका ये होटल बन रहा है, इसमें सोखता पीठ भी तो बनेगा? अच्छा, डबल पीट है। चलो ठीक है, पानी का टैंक बनेगा। चलो ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पहले ब्लॉक बन चुके हैं, ये दीवार के ठीक बाहर जो है पहले ब्लॉक बन गए हैं करके बता रहे हैं हितेश साजी। तो ये है कि फिर उसके अंदर जो है दीवार बन रही है, दीवार और जो अपनी ये लोगों ने पर्सनल जो ब्लॉक बना रखे हैं उसके बीच में फिर मसाले की फीलिंग होगी, तो जिससे काफ़ी मजबूत रहेगा। तो ये है कि 2021 में आपदा आई थी तो काम ये 2023 में शुरू हो गया। तो अब ये है कि यहाँ को तो ये है कि ऊपर गर्म पानी से लेकर के ऊपर जो फ्रॉक पॉइंट है जहाँ पर परसों मैंने आपको दिखाया, कल मैंने आपको दिखाया था कि क्या कहते यार एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया करके, तो वहीं से ये चीज़ ये बननी है। लेकिन अभी काम ये है कि नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर से अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
तो ये है। उसके बाद फिर अभी पार्क वाली साइड भी काम होना है, उधर से काम शुरू होते हुए आ रहा है। उधर आप सामने देख रहे होंगे, उधर वो दीवारें सेफ्टी वॉल बन रही हैं उधर। तो ये है कि नदी बीच में रहेगी, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर जो है नदी में भरान बहुत हो गया है, क्योंकि हमें याद है आज हम छोटे छोटे थे तो नदी काफ़ी गहरी हुआ करती थी। ये मकान तो कम से कम 30-40 फीट ऊपर थे नदी से। तो अब ये है कि ये बराबर लेवल बराबर में आ गए हैं। तो ये स्थिति है साहब अभी यहाँ पर हमारे खैरना गर्म पानी की। तो फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप, नदी को जो है बीच में गहरा किया जा रहा है, जिससे ऐसा है कि नदी बीच में रहे और कोई नुकसान ना हो। यही तो ये बाढ़ सुरक्षा को लेकर के ये काम किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो आबादी क्षेत्र है उसको बचाया जा सके, क्योंकि अभी बरसात पूरी रखी हुई है। अभी तो बहुत बरसात है ना फ्रेंड्स, अभी जो है बरसात तो क्योंकि खैरना गर्म पानी के तो सबसे डेंजर जोन वो उसी का महीना रहता है, सितंबर का महीना। तो क्योंकि जब कभी कोई आपदा आती है तो सितंबर के महीने ज़्यादा आती है। तो ये है कि अभी बसंत भाई के होटल बना रहे हैं बसंत भाई, तो बसंत भाई के होटल के ठीक ऊपर टॉप में आ गया हूँ। तो टॉप से नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ठीक है, खैरना गर्म पानी का। तो ये है सामने जो आप दोनों पहाड़ियों के बीच में देख रहे होंगे, जो घाटी बनी हुई है वो ठीक सामने उसके नैनीताल है। और ये जो मैं पंगोट बुडला कोट के रास्ते आया था, तो ये सारा जो छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो सब मिल करके सब इसी में बनते हैं। तो ये फिर जो शिप्रा नदी है तो काफ़ी उफान में आ जाती है। और ये रहा सामने चौराहा, ये धनियाकोट वाली रोड है। और ये जहाँ हमारे पेड़ देख रहे होंगे आप, ये ठीक चौराहा है हमारा। और इस सामने हमारा इंटर कॉलेज भी है। और ये जो है नेशनल हाईवे हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे है, ये बसंत भाई का काम चला हुआ है। तो ये है अभी शाम का टाइम है। छोटी छोटी वीडियो भी मैं कॉमेडी वीडियो भी डाली है मैंने आज एक, तो ये तो आपका रिस्पॉन्स चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। अभी विचार कुछ ऐसा हो रहा है कि ट्रैकिंग का है फिर एक, और टॉप में जाने का महादेव के दरबार पे। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।